यूपी में विधानसभा चुनाव में अब तक 3 चरणों का मतदान हो चुका है और पहले 2 चरणों में पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड की 113 सीटों पर वोट डाले गए, जबकि रविवार को तीसरे चरण में सेंट्रल यूपी में यादव बेल्ट और बुंदेलखंड की कई सीटों पर मतदान हुआ। आइए विस्तार से बताते हैं कि तीसरे चरण में जिन 59 सीटों पर वोटिंग हुई वहां कौन सी पार्टी फायदे में नजर आ रही है, किस पार्टी को कितना नुकसान होने की संभावना। तीसरे चरण का चुनाव यूपी की सत्ता की दशा और दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। इसमें जहां बीजेपी ने एक बार फिर से यादव बेल्ट और बुंदेलखंड में पिछली बार के प्रदर्शन को बरकरार रखने की कोशिश की है, वहीं समाजवादी पार्टी अपने पुराने गढ़ में सियासी वर्चस्व कायम करना चाहती है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की 59 सीटों पर 61.61% वोटिंग हुई। मतदान के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। आइए अब आपको बताते हैं तीसरे चरण की 10 बड़ी बातें जो सत्ता की दावेदार पार्टियों का खेल बना या बिगाड़ सकती हैं। अनुमान के मुताबिक पहला, बीजेपी कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन करती नजर आ रही है। दूसरा, 9 जिले जो समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं वहां समाजवादी पार्टी मजबूत दिखाई पड़ रही है। तीसरा, तीसरे चरण में दलित वोट ज्यादातर बीएसपी के साथ जाने की बात कही जा रही है। चौथा, तीसरे चरण में सबसे ज्यादा दांव ओबीसी वोट बैंक पर रहा। पांचवा, यादव, शाक्य, लोधी, कुर्मी और बघेल वोट निर्णायक भूमिका में रहे। छठा, पाल, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका में रहे। सातवां, बीजेपी ने सवर्ण वोटों के साथ गैर यादव ओबीसी वोट को अपने पाले में रखने की पूरी कोशिश की। आठवां, बीजेपी ने लोधी और कुर्मी वोट पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। नौवां, समाजवादी पार्टी ने यादव मुस्लिम वोटों के साथ गैर यादव ओबीसी में शाक्य, बघेल, पाल और कुर्मी वोट पर फोकस किया। दसवां, कुछ जिलों में समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। बीजेपी के लिए पहला और दूसरा चरण आसान नहीं था, लेकिन तीसरे चरण की वोटिंग के रुझान बीजेपी के लिए क्या मायने रखते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। तीसरे चरण कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कानपुर शहर, कानपुर देहात, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर और महोबा में बीजेपी काफी मजबूत मानी जाती है। बीजेपी कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र में मजबूत नजर आ रही है। इस क्षेत्र में सपा के सामने चुनौती है। बीजेपी अपने मूल मतदाता ठाकुर, बनिया और ब्राह्मण को मजबूती से पोलिंग बूथ तक ले जाने में लगी रही। अनुमान के मुताबिक तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी कई इलाकों में मजबूत दिखाई दे रही है। तीसरे चरण में 9 जिले समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, औरैया, फरुखाबाद, कन्नौज और कानपुर देहात समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी यहां मजबूत दिखाई पड़ी है। इस क्षेत्र में बीजेपी के सामने चुनौती है। समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर परिवार की एकता और ओबीसी वोट बैंक का असर दिखा है। तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी ओबीसी वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में लगी रही। अनुमान के मुताबिक दूसरे चरण की तरह तीसरे चरण में भी दलित मतदाताओं का झुकाव बीएसपी की तरफ रहा, जो बीजेपी के लिए अच्छी खबर हो सकती है। तीसरे चरण में दलित वोट ज्यादातर बीएसपी के साथ ही जाता दिखाई दिया है। अब अगर दलित वोट बीएसपी को मिले होंगे तो बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। सिर्फ कानपुर जैसे शहर में कांग्रेस का थोड़ा वजूद दिखा है। आइए अब आपको बताते हैं कि तीसरे चरण में जातिगत वोटों के गणित के बारे में हमारे संवाददाताओं के अनुमान के मुताबिक तीसरे चरण में यादव, शाक्य, लोधी, कुर्मी, बघेल, पाल, दलित,
मुस्लिम और ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका में रहे हैं। तीसरे चरण में बीजेपी के ठाकुर, बनिया, लोधी, कोरी वोट में बंटवारा नहीं हुआ। दलित वोट का कुछ हिस्सा अपने पाले में लाने की कोशिश की। तीसरे फेज में पश्चिमी यूपी का हाथरस जिला भी था, जहां पर जाट वोट निर्णायक रहा है। तीसरे चरण में ब्राह्मण मतदाताओं में बंटवारा जरूर दिखा है। मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने 4 में से 3 सीटें मैनपुरी में जीती थी, जिसमें करहल सीट भी शामिल थी। इस बार अखिलेश यादव खुद समाजवादी पार्टी से करहल सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा इसलिए अखिलेश यादव कर रहे हैं ताकि आसपास के जिलों में इसका असर पड़ सके। वहीं बीजेपी ने एसपी बघेल को अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने ऐसा इसलिए किया ताकि एक संदेश दिया जा सके कि अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी बड़े चेहरे को चुनावी मैदान में उतार रही है। यूपी में 3 चरणों में अभी तक 172 सीटों पर मतदान हो चुका है। इन चरणों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी बढ़त के दावे कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि यूपी के अगले 4 चरणों के रण में 231 सीटों पर जनता किस पार्टी को सत्ता की चाबी सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।